बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट बीएसएन स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर इंजॉइंग माय लेक्चर्स एंड आर लर्निंग फ्रॉम देम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर ऑन वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। वी आर गोइंग टू लर्न आर चैप्टर नंबर 5, दैट इज अबाउट वाइटल साइंस। यू ऑल नो वेरी वेल दैट वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट। So this chapter is also very important for you if you really want to become a good and responsible nurse. That is unit number 5, named Vital Signs. Lecture number 5, part 1. यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो हमारा वाइटल साइंस चैप्टर था तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था और बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक भी था। तो मैंने इसको क्या किया है कि मैंने इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। इससे क्या होगा कि एक तो चूंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक था तो आप लोगों के लिए इसको करना आसान हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि चूंकि मैं ये चाह रही थी कि आप लोग जब इसको सीखें तो बहुत अच्छे से एक दफ़ा में ही सीख लें, क्योंकि बार बार जो चीज़ होती है वो नहीं सीखी जाती है कभी भी। तो आप इसको एक दफ़ा में ही सीखें और यही आपकी आगे प्रोफेशनल लाइफ जो है वहाँ पर जाके भी आपकी ये प्रैक्टिस काम आए। हम यहाँ पर स्किल भी सीखेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। ओके, हेयर आर द क्वेश्चंस। डिफाइन वाइटल साइंस, डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू वाइटल साइंस, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अबाउट टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो हमारे वाइटल साइन टर्म के अंदर फर्दर 6 टर्म्स आती हैं, तो हम उनको वन बाय वन देखेंगे। उनमें क्या आता है, टेम्परेचर आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाती है, हमारी पल्स आ जाती है, ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, देन पेन है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन बॉडी। Identify ways that affect the heat production and heat loss in the body. Different types of body temperature according to its characteristics. Identify signs and symptoms of. Discuss the normal ranges for body temperature, pulse, respiration, and blood pressure. List the factors affecting temperature, pulse, and respiration. Describe characteristics of pulse and respiration. List factor responsible for maintaining normal blood pressure. Various method and sites used to measure temperature, pulse and blood pressure. Recognize the signs of alert while taking TPR, temperature, pulse, respiration and BP. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या देखेंगे, हम सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और जो पल्स और रेस्पिरेशन है वो आपको मेरे फर्दर लेक्चर्स में मिल जाएगी। तो चलिए वाइटल साइंस से शुरू करते हैं। बेसिकली डिफाइन वाइटल साइंस। तो वाइटल का मीन क्या होता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और साइंस का मतलब इशारे, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसी इंपॉर्टेंट तब्दीलियां जो हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं सर्टन, तो हम उनको असेस करेंगे। तो इनको हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। द कार्डिनल और वाइटल साइंस कैन बी डिफाइंड एज द साइंस विच शुड बी लुक्ड एट इन टोटल, कि हमने उन सब को लेना है, आर सेट टू मॉनिटर द फंक्शंस इन द बॉडी। कोई भी पेशेंट अगर वो किसी भी कंडीशन में है, वो नॉर्मल कंडीशन में है, वो सीरियस कंडीशन में है, सवियर कोई डिजीज हो गई है उसको, तो उसके वाइटल साइन जो होते हैं ना, वो हमें एक बेसिक इंडिकेशन देते हैं कि पेशेंट इस वक्त किस पॉइंट पर खड़ा है। ठीक है, तो इनको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी नर्स के लिए। These signs reflect changes in the function that otherwise might not be observed. कि आपके सामने क्लाइंट बैठे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जब आप वाइटल साइंस मेजर करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर सर्टन चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन। हम इन सब की डेफिनेशंस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। वेन टू असेस वाइटल साइंस, अब वाइटल साइंस को कब कब हमें असेस करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें तब असेस करना चाहिए जब कोई भी पेशेंट हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी में आया, ताकि हमें पेशेंट के बारे में एक बेसलाइन डाटा मिल जाए। सेकेंडली, जब क्लाइंट हमारे पास रुक गया है कुछ टाइम के लिए, एडमिशन हो गया उसका, तो उसकी हेल्थ स्टेटस चेंज हो गया, ठीक है, और कुछ सिम्टम्स फर्दर, या तो उसका हेल्थ स्टेटस बेटर हो गया या खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम
दोबारा से उसके वाइटल साइंस असेस करेंगे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली। प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली करने का मकसद ये है कि प्री ऑपरेटिवली अगर हम किसी पेशेंट के वाइटल साइंस ले लेंगे, उसका टेम्परेचर, पल्स वगैरह हम काउंट देख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ड्यूरिंग सर्जरी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट के अंदर उठ सकती है तो हम उसको पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स कर लेंगे, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिवली हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो रेज कर रहा है, उसको फीवर हो रहा है, या उसकी पल्स जो है वो डीप मतलब कम हो रही है, उसकी पल्स जो है ब्रैडीकार्डिया उसको हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि ड्यूरिंग सर्जरी कोई इन्फेक्शन पेशेंट को हो गया या सर्जरी के बाद हो गया, पोस्ट ऑपरेटिवली हो गया, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है और टेम्परेचर रेज कर रहा है, ठीक है। या उसका जो पेशेंट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, जिसकी वजह से उसकी पल्स जो है अभी कम आ रही है। देन हम मेडिकेशन देने से पहले और मेडिकेशन देने के बाद करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता चला कि उस मेडिकेशन का पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन। कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल अगर हमने पेशेंट की बैक केयर की है, माउथ केयर की है, उसको वॉक करवाई है, एक्सरसाइज करवाई है हमने पेशेंट को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हर तरह की नर्सिंग इंटरवेंशन से पहले और उसके बाद हम देखेंगे इन सब वाइटल साइंस को। और इसके अलावा भी अगर पेशेंट हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे हम आईसीयू कहते हैं, वहां पर अगर पेशेंट एडमिट है तो हम वहां पर भी देखेंगे कि पेशेंट मतलब हम हर आधे आधे घंटे के जो ड्यूरेशन गैप है हम उस पर देखते हैं कि पेशेंट के वाइटल साइंस में क्या चेंजेस आ रही हैं, और वो पूरा एक चार्ट मेंटेन करते हैं हम, जिसे हम टीपीआर चार्ट कहते हैं, टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशन का चार्ट होता है, ठीक है। और समटाइम्स हम उसमें ब्लड प्रेशर भी जो होता है उसे मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफाइंड टर्म्स रिलेटेड टू वाइटल साइंस हमारा क्वेश्चन नंबर टू है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हीट यूनिट्स कॉल्ड डिग्रीज। हीट यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिग्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो उनको अगर हम मेजर कर रहे हैं, जो बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस है उसको अगर हम डिग्रीज में मेजर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और ये हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, आप बहुत सारे लोगों ने बल्कि सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स की। द पल्स इज अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन, एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन है क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ऑन ईच हार्ट बीट। हर हार्ट बीट पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने अंदर जो ब्लड होता है उसको पुश करता है टुवर्ड द बॉडी, ठीक है। तो उस पंप की वजह से जो वेसल्स में एक कॉन्ट्रैक्शन या वेव जो जनरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं और पल्स ऑक्सीमीटर जो एक डिवाइस होती है उससे भी हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ जो कि रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं। इसकी दो तरह की टाइप्स होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जब हम एयर को अपने लंग्स में लेकर जाते हैं और लंग्स के एल्वियोलाई और जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उनके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन हम किसे बोलते हैं कि जब वो ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज से ब्लड हमारे हार्ट में आता है वेन से होता हुआ, तो क्या होगा, हार्ट जब उसको पुश करेगा पूरी बॉडी की तरफ तो जो हमारी वास्कुलर सिस्टम है उसमें से जब बॉडी के टिश्यूज में ऑक्सीजन जाएगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द मेजर ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड, चूंकि हार्ट पीछे से पंप कर रहा है ना ब्लड को, ठीक है। तो अब वो ब्लड पूरे प्रेशर के साथ आगे आ रहा है, तो वो प्रेशर जो कि ब्लड किसी भी वेसल आर्टरी जो है बेसिकली आर्टरी की वॉल्स पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ब्लड उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसे हम ब्लड प्रेशर इस फिग्मोमैनोमीटर से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होती है, अब सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है, ठीक है। और वो हीमोग्लोबिन कहाँ होती है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होती है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब क्या है, इज द फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन, कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ने जितना अपने आप के ऊपर अपने ऊपर ऑक्सीजन को लगाया हुआ है, सेचुरेट हुई हुई है, ठीक है, रिलेटिव टू टोटल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। टोटल हीमोग्लोबिन जो है
उससे रिलेटिवली अगर हम देखें तो कितनी हीमोग्लोबिन ने अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेन की। पेन क्या है? हाईली अनप्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय इलनेस और इंजरी, ठीक है। किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से अगर हमें कोई अनप्लेजेंट फीलिंग आ रही है तो वो क्या है? पेन होती है। पेन अब दो तरह की होती है, एक्यूट हो सकती है और क्रॉनिक पेन हो सकती है। एक्यूट पेन क्या होती है? जो थोड़ी देर के लिए हमें किसी सर्टन डिजीज की वजह से सडन पेन हो रहा है, ठीक है, इंजरी हो गई है या ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, तो गन शॉट वगैरह हो गया, तो उस वजह से जो हमें पेन होगा वो एक्यूट पेन होगा। क्रॉनिक पेन होता है कि आपको सर्टन कोई ऐसी डिजीज है जो कि क्योर नहीं हो रही है, काफी टाइम तक रहेगी आपके साथ, चंद साल रहेगी, तो जो उसका कंटिन्यूअस पेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक पेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे डिटेल में इस चैप्टर, इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरेट कैसे होता है हमारी बॉडी में? सबसे पहले तो हम टेम्परेचर की टाइप्स पढ़ेंगे। दो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू इस लोकेशन। कोर बॉडी टेम्परेचर। अब कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के डीप टिश्यूज हैं जो इंटरनली पड़े हुए हैं उनका टेम्परेचर जो है, क्रेनियम, थॉरेक्स, ठीक है, इट रिमेन्स रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रहता है। हम वार्म ब्लडेड है ना, तो वार्म ब्लडेड जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमेशा सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो कोर बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना है? 36.7 या 98.6 फारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। इसमें अगर चेंजेस आएंगी तो या तो फीवर हो जाएगा या फिर हाइपोथर्मिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सरफेस बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का सरफेस का टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट, इट राइजेज एंड फॉल अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स कि अगर गर्मियाँ होंगी तो हमारे जो सर्फेस बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर सर्दियाँ होंगी तो वो सर्फेस बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या होता है कि हीट प्रोडक्शन होती रहती है। हीट एज अ बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है, क्योंकि हम जो है फूड कंज्यूम करते हैं और उसमें कैलोरीज होती हैं, वो कैलोरीज जब बर्न होती हैं और वो फूड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है कि वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, तो क्या होता है कि उससे हीट प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर। जब बॉडी में हीट, उसके साथ ही साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है हीट लॉस जो है उसके एग्जैक्टली इक्वल, हीट प्रोडक्शन के इक्वल जो है हमारी बॉडी से हीट लॉस भी होती है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन, वो हीट बैलेंस कंडीशन में रहता है, कि मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाता है कि जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही हीट जो है वो लॉस भी हो रही है बॉडी से। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन का, इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन का हम ये जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे सेम लेक्चर में, आगे हमारा क्वेश्चन है तो हम वहाँ पे डिटेल से पढ़ लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं, वही बात आ गई थर्मोरेगुलेशन की। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन द बॉडी, तो हम यहाँ पर इसको डिटेल से कर लेते हैं। थर्मोरेगुलेशन सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोरेगुलेशन सिस्टम। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें सेंसर्स होते हैं हमारी स्किन में और हमारे इंटरनल जो कोर है, हमारी क्रेनियम वगैरह जो इंटरनल बॉडी टिश्यूज है वहां पर, जो कि हीट को और कोल्ड को सेंस कर लेते हैं। देन हमारे पास हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में तो आप सब जानते होंगे। तो हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर होता है वो मैनेज करता है कि कितना टेम्परेचर रहेगा बॉडी का, और इफेक्टर सिस्टम होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ होता है, जो कि रिस्पॉन्स देता है, फीडबैक जो देता है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी स्किन के अंदर कोल्ड के लिए ज्यादा सेंसर है एज कंपेयर टू वार्म्थ। हम कोल्ड को ज्यादा जल्दी फील कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से 3 प्रोसेसेस होंगे? आप सर्दियों को इमेजिन करें कि सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? शिवरिंग होती है। तो शिवरिंग होने से क्या होता है? हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। फिर क्या होता है? हमारी स्वेटिंग जो होती है वो इनहिबिटेड हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हीट लॉस कम हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लॉस कम हो गया। थर्ड में क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, मीन्स जो हमारी वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और हमारी स्किन में डीप चली जाएंगी, ताकि हीट लॉस जो है वहाँ से भी
ना हो सके। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि सर्दियों में जो हमारी वेसल्स हैं वो डीपर टिश्यूज में चली जाती हैं, और गर्मियों में अगर आप देखें तो हमारी वेसल जो होती हैं वो सुपरफिशियल आ जाती हैं, क्योंकि वेजो डायलिटेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर क्या करता है? द हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर द सेंटर दैट कंट्रोल कोर टेम्परेचर इज लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। When cold sensors are stimulated and send message to hypothalamic integrator, जब हमारे cold sensor activate होंगे और उसको message send करेंगे तो क्या होगा कि heat loss जो है उसे कम कर दिया जाएगा और heat production जो है उसको increase कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर hot sensors जो है हमारी body के जो warmth को sense कर रहे हैं, warm sensors जो हैं, अगर उनको message मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो heat loss ज़्यादा करेंगे और heat production को कम कर देंगे। फिर हम बात करते हैं इफेक्टर्स क्या करेंगे। द सिग्नल फ्रॉम कोल्ड सेंसिटिव रिसेप्टर्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनिशिएट इफेक्टर्स। अब कोल्ड सेंसिटिव रिसेप्टर ने सिग्नल दे दिया, अब हाइपोथैलेमस वहां से सिग्नल सेंड करेगा इफेक्टर्स को इनिशिएट करने के लिए, जैसे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी जाएगी ताकि हीट लॉस जो है वो प्रिवेंट हो सके। फर्दर मोर क्या होगा कि एपिनेफ्रीन जो है, जो कि हमारा हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है, उसको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, हमें फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में ले आता है ना एपिनेफ्रिन, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। और अगर इसी तरह से हमारी बॉडी में जो है हीट ज़्यादा है पहले से, ठीक है, वार्म्थ के सेंसर जो हमारे वो एक्टिवेट हुए हुए हैं, तो क्या होगा कि एपिनेफ्रिन के लेवल्स को कम कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने अपना थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थर्मोरेगुलेशन के टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के देखते हैं हम। आइडेंटिफाई वेज दैट अफेक्ट हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है और हीट लॉस कैसे हो रही है, तो हम उन प्रोसेसेस को देखते हैं। हीट बैलेंस किस तरह से बेसिकली मेंटेन है, तो हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बेसिकली चार तरीकों से होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो अगर हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, शिवरिंग हमें हो रही है तो हीट प्रोडक्शन होगी। थायरॉक्सिन एंड एपिनेफ्रिन अगर पैदा हो रहा है बॉडी में, प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा कि हीट प्रोडक्शन होगी। देन फीवर है तो हीट प्रोडक्शन होगी। फिर हीट लॉस किस तरह से होता है, चार मेथड्स हैं उसके भी, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन। हम इन सब को वन बाय वन जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हीट प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगी। अगर हमने कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर ली हैं, ठीक है, या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। तो जब कैलोरीज बर्न होंगी तो क्या होगा, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। अब BMR होता क्या है, इज द रेट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन इन द बॉडी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सच एज ब्रीदिंग। अब हम अपनी डेली रूटीन में जो काम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हमारी फूड से आ रही है। फूड से एनर्जी मिल रही है हमें और वो एनर्जी हम बर्न कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज करता है विद द एज, ठीक है, तो जो यंगर पीपल होते हैं जैसे कि एडल्ट एज में, तो क्या होता है, उनका BMR रेट ज्यादा होता है। देन कम मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या शिवरिंग हमें होती है, तो क्या होगा कि मतलब उस वक्त मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरा, थायरॉक्सिन आउटपुट। थायरॉक्सिन जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, तो जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि हीट प्रोडक्शन होती है। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन एंड सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, तो इससे भी चूंकि हीट प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। और देन फीवर आ जाता है, तो फीवर क्या करता है कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है और बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास पांच मेथड्स हो गए बेसिकली, अगर हम बात करें इनको शॉर्टली करें तो ये इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास बेसिकली चार मेथड्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट लॉस किस तरह से होता है बॉडी से। हमने पढ़ा था रेडिएशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और इवेपोरेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं रेडिएशन को, रेडिएशन कैसे होती है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कि दो ऑब्जेक्ट्स में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन।
सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है वो रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है, कि उसकी सरफेस से अर्थ की सरफेस पे जो है वो हीट आ रही है। हीट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ सेमी ड्रेस्ड पर्सन इन द रूम इज ऑलमोस्ट 50% इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब अगर कोई पर्सन किसी रूम में सेमी ड्रेस्ड कंडीशन में खड़ा हुआ है तो उसकी बॉडी से जो हीट लॉस होगी वो 50% रेडिएशन की फॉर्म में होगी, कि कॉन्टैक्ट नहीं है उसकी बॉडी के साथ किसी भी चीज़ का, फिर भी हीट वहाँ से निकल रही है, तो वो कैसे होगा, वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन होता है बेसिकली कॉन्टैक्ट की वजह से, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल हैविंग लोअर टेम्परेचर, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जिसका टेम्परेचर लोअर है वहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है और कॉन्टैक्ट के साथ होगा, कभी भी कॉन्टैक्ट के बगैर नहीं होगा ये, ठीक है, तो इसे हम कंडक्शन बोलते हैं। थर्ड आता है कन्वेक्शन, एयर करंट्स के थ्रू होता है ये, ठीक है। इट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ हीट बाई एयर करंट्स, हवा जो है चल रही है उसके थ्रू अगर टेम्परेचर जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। द बॉडी यूजली हैज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वार्म एयर एडजेसेंट टू इट, दिस वार्म एयर राइजेज एंड इट इज रिप्लेस्ड बाई कूलर एयर एंड दैट्स वाई पीपल ऑलवेज लूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन। अब देखें हमारी बॉडी के ऊपर हमारे जो मोस्टली हेयर होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक वार्म एयर होती है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो एक वार्म एयर होगी उनके अंदर, तो जब एयर करंट्स आएंगे तो वो वार्म एयर चूंकि हल्की होती है तो वो क्या होगा, वो ऊपर चली जाएगी और जो लाइट एयर है जो कि कूलर एयर है वो उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी, तो इस तरह से भी बॉडी से हीट लॉस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज़ कंटिन्यूअस वेपोराइजेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम द म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड फ्रॉम द स्किन, कि हमारी स्किन से जो स्वेटिंग होती है उसे इवेपोरेशन होती है, तो सर्टन अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इस तरह से भी लॉस हो रही है। हमारी ब्रेथ जो है जो हम एक्सहेल करते हैं वो वार्म होती है, किसी हद तक जो है वो टेम्परेचर यहाँ से भी लूज करते हैं, हम यूरिन पास करते हैं स्टूल पास करते हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होता है, उनका भी थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हीट लॉस जो है सर्टन इन तरीकों से भी बहुत कम अमाउंट में हीट लॉस होती है, ठीक है। और जो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से अननोटिस वाटर लॉस हो रहा है इस हीट के साथ साथ, उसे हम क्या कहते हैं, इनसेंसिबल वाटर लॉस कह रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हीट लॉस होगी उसे हम इनसेंसिबल हीट लॉस कहेंगे और जो वाटर लॉस होगा उसे हम इनसेंसिबल वाटर लॉस कहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमने हीट प्रोडक्शन के और हीट लॉस के जो मेथड्स थे वो क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने पहले लोकेशन के बेस पे पढ़ा था टेम्परेचर, वो क्या था हमारे पास, दो तरह से था, कोर बॉडी टेम्परेचर था एंड सरफेस बॉडी टेम्परेचर था। अब हम उसकी करेक्टरिस्टिक की बेस पे पढ़ने लगे हैं, हाई और लो की बेस पे। सबसे पहले आता है नॉर्मोथर्मिया मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर, देन हमारे पास आता है हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर इंक्रीज बाय रेगिजिया भी हम इसे बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आता है हाइपोथर्मिया, ठीक है, टेम्परेचर लो होता था जिस कंडीशन में। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मोथर्मिया। नॉर्मोथर्मिया और यूथर्मिया इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज 36.7 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कितना होता है, 36.7 डिग्री सेल्सियस में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अब पायरेक्सिया क्या होता है, जिसे हमने हाइपरथर्मिया कहा था। अब बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज, यूजुअल जो रेंज हमारे पास 36.7 डिग्रीज थी उससे अगर ज़्यादा हो गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पायरेक्सिया बोलेंगे, हाइपरथर्मिया बोलेंगे, या हम उसे फीवर बोल देंगे, ठीक है। अ वेरी हाई फीवर सच एज 41 डिग्री सेल्सियस, उसे हम हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे। और अगर किसी क्लाइंट को फीवर है तो हम उसे फिब्राइल बोलेंगे, और अगर किसी को फीवर नहीं है तो हम उसको ए फिब्राइल कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम फीवर की बात करते हैं, तो फीवर की हम सर्टन फोर टाइप्स हैं फीवर की, तो हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। इसमें आती है इंटरमिटेंट फीवर है, रेमिटेंट फीवर है, रिलैप्सिंग फीवर है एंड कॉन्स्टेंट फीवर है, तो इनको देखते हैं हम डिटेल में। इंटरमिटेंट फीवर एंड इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट से क्या आपको शो हो रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है बुखार। एंड इंटरमिटेंट फीवर द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स बिटवीन पीरियड्स ऑफ फीवर एंड पीरियड्स ऑफ नॉर्मल एंड सब नॉर्मल टेम्परेचर, कि मतलब आपको फीवर होगा, आपकी नॉर्मल या सब नॉर्मल कंडीशन एक आएगी, फिर आपको फीवर हो जाएगा। तो इस तरह का फीवर किस में होता है, मलेरिया में होता है बेसिकली।
फिर हम बात करते हैं रेमिटेंट फीवर की। तो रेमिटेंट फीवर कैसा होता है? इन रेमिटेंट फीवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस अकर्स ओवर द 24 आवर पीरियड, ठीक है, ऑल ऑफ विच आर अबव नॉर्मल। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी को 99 डिग्रीज पर बुखार है, ठीक है, अबव नॉर्मल क्या है, 99 भी अबव नॉर्मल है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस की फ्लक्चुएशन आएगी 24 घंटे में, और वो सारी की सारी फ्लक्चुएशन 98.6 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा होगी। मतलब 100 पे जाएगा, 101 पे जाएगा, फिर 100 पे आएगा, फिर 99 पे आएगा, लेकिन 98.6 कभी भी नहीं होगा। ऐसा फीवर होता है हमें इन्फ्लुएंजा में। रिलैप्सिंग फीवर अब क्या होता है, दोबारा से आने वाला। इन रिलैप्सिंग फीवर शॉर्ट फिब्राइल पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज इंटरस्पर्स्ड विद पीरियड्स ऑफ 1 or 2 डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब एक काफी ड्यूरेशन के लिए आपको बुखार हुआ कुछ दिनों के लिए, 7-8 दिनों के लिए, उसके बाद 1-2 दिन आप नॉर्मल टेम्परेचर में गुजार दिया आपने, और फिर से आपको फीवर ने अटैक किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टेंट फीवर। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल रहने वाला। इन कॉन्स्टेंट फीवर द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल, चेंज नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम चेंज होगा अगर होगा भी, और सब का सब जो है वो अबव नॉर्मल रहेगा और मुसलसल आपको बुखार रहेगा। तो किसमें होता है? टाइफाइड फीवर में होता है। तो हमने फीवर की 4 टाइप्स पढ़ी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर और कॉन्स्टेंट फीवर, ठीक है, आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथर्मिया। हमने नॉर्मोथर्मिया पढ़ लिया, हमने हाइपरथर्मिया या पायरेक्सिया भी क्लियर कर लिया, अब हम आ गए हैं हाइपोथर्मिया पे। हाइपोथर्मिया क्या होता है? नॉर्मल से कम बॉडी टेम्परेचर होना। हाइपोथर्मिया इज अ कोर बॉडी टेम्परेचर दैट इज बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। द 3 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथर्मिया आर एक्सेसिव हीट लॉस। अगर हमारी बॉडी से एक्सेसिवली हीट लॉस हो गई है तो क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर कम होगा ना। नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन ही नहीं हुई बॉडी में एज कम्पेयर टू हीट लॉस। जितना हीट लॉस था उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही हमारी बॉडी में, तो एक वो इम्बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इम्पेयर्ड हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन, अगर हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मोरेगुलेशन नहीं कर पा रहा तो क्या होगा? हाइपोथर्मिया हो सकता है। अब अगर हाइपोथर्मिया किसी को हो गया तो उसके साइंस क्या होंगे? उसके वाइटल साइंस सबसे पहले कम होंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, सब कुछ उसका बिलो द नॉर्मल जाना शुरू हो जाएगा। हाइपोथर्मिया चूंकि टेम्परेचर बॉडी का कम हो रहा है, ठीक है, के पेशेंट को सवियर शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी, उसको सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी, उसकी स्किन पेल, कूल और वैक्सी स्किन हो जाएगी। पेल स्किन क्यों होगी? क्योंकि उसकी वेसल जो है वो डीपर स्किन में चली गई है, सुपरफिशियल स्किन जो है उसकी खाली होगी, वहां तक ब्लड जो है वो उसी तरह से पहुंच नहीं पा रहा। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, हमारी बॉडी चाहेगी कि जो वाटर अंदर बॉडी में है, ठीक है, उसको भी एक्सक्रीट ना किया जाए क्योंकि उससे भी हीट लॉस होती है, और लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर, कि फीवर के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब फीवर का ऑनसेट किस तरह से होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को फीवर हो गया है? तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करेगा, उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है बेसिकली वो ज़्यादा हुआ हुआ है, ठीक है, और उसको शिवरिंग होगी, पेल और कोल्ड स्किन हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है। साइनोटिक नेल बैड्स हो जाएंगे, मतलब उसके जो अगर सीवियर फीवर है पेशेंट को तो क्या होगा कि उसके नेल जो नेल बैड्स है ना वो ब्लू कलर के होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी। गूज फ्लैश हो जाएगी, उसके जो है जो पेपिलरी मसल्स हैं उसके वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और स्वेटिंग उसकी पेशेंट की रुक जाएगी, ठीक है। अब कोर्स क्या होगा? अब जब फीवर शुरू हुआ था तो ये सिम्टम्स थे, अब फीवर जब हो गया है किसी पेशेंट को तो उसको चिल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। स्किन दैट फील वार्म, उसकी स्किन जो है वो वार्म होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि कोल्ड स्किन थी अभी जब फीवर होना शुरू हुआ था पेशेंट को, ठीक है। तो जब फीवर हो जाएगा तो क्या होगा कि स्किन वार्म हो जाएगी, फिर क्या होगा कि पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी होगी, उसको मतलब लाइट जो है वो अच्छी नहीं लग रही होगी, उससे बेयरेबल नहीं होगी, ग्लासी आईड अपीयरेंस, आंखों में उसके पानी पानी सा होगा, ठीक है, रेड आईज हो जाएंगी उसकी,
इंक्रीज्ड पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट, जिस तरह हमने कहा था कि हार्ट रेट यहाँ बढ़ रहा था, पल्स भी बढ़ रही थी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा था, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पल्स और रेस्पिरेटरी रेट्स बढ़ रहे होंगे। थर्स्ट जो है पेशेंट की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, तो बॉडी क्या करेगी कि वाटर को कंज्यूम करेगी ताकि उस हीट पे ओवरकम किया जा सके, ठीक है। और हर्पेटिक लीजन्स हो जाएंगी माउथ के अंदर, ठीक है, ये हमारे लिप्स के राउंड या जो है हमारे जो है मसल जो है लिप्स के, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा कि लीजन्स बन जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, डेफर्वेशन, जब वो ठीक हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि फ्लश्ड वार्म स्किन होगी जब पेशेंट रिकवर कर रहा है फीवर से, ठीक है। स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, स्वेटिंग के थ्रू जो है वो बॉडी से हीट लॉस होगी, शिवरिंग कम हो जाएगी, उस वक्त जो है पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को जो है डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो क्लिनिकल साइंस ऑफ फीवर आप ऑनसेट कोर्स और डेफर्वेशन के हिसाब से अगर आप डिफरेंटली लिखेंगे तीनों तरह से, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, तो मैंने इसकी एक निमोनिक बनाई है, शेड, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ निमोनिक्स आपको आपकी पल्स के लिए और टेम्परेचर के फैक्टर्स के लिए भी मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल इससे मिलती जुलती होंगी और आपके लिए मेमोराइज करना आसान होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या है, स्ट्रेस, एज फॉर हारमोन्स, एज, डाईअर्नल वेरिएशन के डे ड्यूरिंग डे और नाइट में क्या चेंजेस आएंगी, देन कम्स ई, एक्सरसाइज एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपने ये निमोनिक अच्छे से याद रखना ताकि आप इनको जो है अच्छे से याद कर सकें, और ये बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये निमोनिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब हम उसी हिसाब से जो है फर्दर इनको डिटेल में पढ़ते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे क्या होगा, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन वगैरह प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा और बॉडी टेम्परेचर जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस में आपने याद रखना है कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे हॉर्मोन्स आएंगे, वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। देन हॉर्मोन्स, सर्टन हॉर्मोन्स फीमेल में होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को सर्टनली कुछ टाइम के लिए, जैसे कि ओव्यूलेशन का टाइम होता है फीमेल में, तो उस वक्त बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करके रखता है। एज, बच्चों जो बच्चे जो हैं और जो अडल्ट हैं, ठीक है, उनमें बॉडी टेम्परेचर मोर लेबाइल होता है, ठीक है, लेकिन जो लोग 75 इयर्स एज के हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा इस रिस्क पे हैं कि उनको हाइपोथर्मिया होगा। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनमें भी हमें ये होता है कि उनको हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है, और जो जो बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है, और जो ओल्डर अडल्ट होते हैं, जैसे 75 ईयर ओल्ड एज के लोग, वो भी हाइपोथर्मिया में जाने का रिस्क होता है उनको, ठीक है। दे आर यूजली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएशंस, मतलब अगर एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी इसको परसीव कर लेंगे और तबीयत उनकी खराब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डी तरफ, हमारा डी क्या कह रहा है, डाईअर्नल वेरिएशंस। डाईअर्नल वेरिएशन में क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर हमारा थ्रू आउट द डे जो है वो चेंज करता है, ठीक है। हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर का टाइम क्या होता है कि 8 PM टू मिडनाइट हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर 4 AM से लेके 6 AM तक टाइम होता है, ठीक है। एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है और इस वजह से जो है बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है। फिर आ जाता है हमारा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में अगर सर्टन चेंजेस आएंगी, मतलब अगर वार्म रूम है तो क्या होगा कि वहाँ पर जो है बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा। इफ द टेम्परेचर इज असेस्ड इन अ वार्म रूम एंड द बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन द बॉडी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी हाई, कि अगर आपका एनवायरमेंट जो है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी अल्टीमेटली ज़्यादा होगा, और अगर आपके एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा, आप मरी वगैरह के इलाकों में जाकर देखें तो आपके जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको खुद फील होगा कि आपका सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। तो हम देखते हैं, अ
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइट्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि हम बॉडी टेम्परेचर्स की कौन सी साइट्स हैं जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और उन साइट्स के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हम फाइव साइट्स ऐसी हैं जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओरली ले सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने सब ने देखा होगा कि ओरली जो है हम थर्मामीटर जो है उसको प्लेस करते हैं और उससे हम टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एडवांटेज क्या है हमारे पास, ये मोस्ट एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट है कि सारे लोग जो है इसको आसानी के साथ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, मरकरी होता है चूंकि ग्लास थर्मामीटर के अंदर, ठीक है, तो अगर हम इसको ओरली किसी पेशेंट बच्चे के अंदर रखते हैं या किसी ऐसे पेशेंट में रखते हैं जिसको कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, तो क्या होगा कि इस बात का मतलब रिस्क होगा कि वो पेशेंट जो है उसको बाइट कर लेगा और मरकरी जो है वो वहां पर एक्सपोज हो जाएगा उस पेशेंट के माउथ के अंदर, तो क्या होगा कि इस मर्करी जो कि पॉइजनस होता है तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर हम करते हैं रेक्टली, ठीक है, क्योंकि रेक्टम जो है वहां पर हम रख देते हैं थर्मामीटर, ठीक है, और उससे जो है हम मेजरमेंट करते हैं। ये मोस्ट रिलायबल मेजरमेंट होती है क्योंकि इससे हमें हमारी कोर टेम्परेचर का पता चलता है। सरफेस टेम्परेचर तो इन्वायरमेंट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है ना, लेकिन कोर टेम्परेचर जो होता है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, और अगर वहां पर फ्लक्चुएशन आई तो मतलब कोई सीरियस इशू है। ये अनप्लेजेंट होता है क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ स्टूल में इंटरफेयर विद द थर्मामीटर प्लेसमेंट। फिर एक्जिलरी आ जाता है कि हम आर्मपिट में रख देते हैं थर्मामीटर, सेफेस्ट एंड मोस्ट नॉन इन्वेसिव मेथड है कि पेशेंट को कोई किसी तरह का खतरा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थर्मामीटर जो है वो आपको 2 से 5 मिनट के लिए पेशेंट की आर्मपिट में रखना होता है, जिससे क्या होगा कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। फिर आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पेशेंट के जो है कान में हम जो है रख देते हैं थर्मामीटर, ठीक है, और वो आपको बहुत जल्दी जो है वो आपको टेम्परेचर के बारे में मेजरमेंट दे देता है। रेडिली एक्सेसिबल एंड रिफ्लेक्ट कोर टेम्परेचर वेरी फास्ट, कैन बी अनकंफर्टेबल, इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरिंग द मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी इंजर कर सकता है। देन कम्स टेम्पोरल, हम टेम्पोरल बोन पे जो है वो रखकर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट मेजरमेंट होती है लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, मोस्टली लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, कुछ तरह के थर्मामीटर्स थे मेरे पास, तो मैंने आप लोगों को पिक्चर्स दिखा दूं। ग्लास थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, कि अगर आपको इस तरह से रीडिंग नहीं करनी आती है तो आप क्या करें कि आप डिजिटल ले लें जो आपको एक्यूरेट रीडिंग जो है पॉइंट्स में बता देगा। फिर टेम्पोरल थर्मामीटर आता है और टिम्पैनिक थर्मामीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट विद फीवर, अगर किसी क्लाइंट को फीवर हो गया तो नर्सिंग इंटरवेंशन उसके लिए क्या होंगी। मॉनिटर वाइटल साइंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस क्लाइंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे कि क्या उसकी चल रहे हैं, टेम्परेचर उसका हाई है लो है, कितना टेम्परेचर उसको आ रहा है, अगर हाई है तो उसका कितना ज्यादा हाई है, फीवर में अल्टीमेटली टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, तो कितना हाई है टेम्परेचर, उसकी पल्स किस रेट पे चल रही है, रेस्पिरेशन क्या है उसकी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्किन कलर, देखेंगे स्किन कलर क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा पेल स्किन है उसकी, कूल स्किन है, ठीक है, तो मतलब कंडीशन जो है वो ज्यादा सवियर हो रही है। फिर हम WBC काउंट और हीमेटोक्रिट लेवल देखेंगे। WBC काउंट हम क्यों देखेंगे, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो इन्फेक्शन की सूरत में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम WBC काउंट देखेंगे कि पेशेंट के अंदर कि आइदर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फीवर हुआ है, तो WBC काउंट अगर हमारा ज्यादा होगा तो इसका मतलब अल्टीमेटली कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया है। रिमूव एक्सेस ब्लैंकेट्स, जब क्लाइंट को वार्म फील हो तो एक्सेसिव ब्लैंकेट्स हमने उसके ऊपर से रिमूव करने हैं, लेकिन अगर उसको जरूरत है तो हमने उसको प्रोवाइड भी करने हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो हमने उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन देनी है, और चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें उसको फ्लूइड्स भी देने हैं ताकि क्या हो गया उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 ml हमने पर डे जो है क्लाइंट को देना है। भैया इनटेक एंड आउटपुट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इनटेक आउटपुट देखनी है कि पेशेंट इनटेक कितनी कर रहा है और उसकी आउटपुट कितनी, यानी यूरिन कितना वो पास कर रहा है। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है, या सर्टन कोई इशू तो नहीं है उसके पेशेंट की जो है वो ब्लैडर के साथ या इंटेस्टाइन्स के साथ के जो है जितना वो इनटेक कर रहा है उतना आउटपुट नहीं हो रहा। प्रोवाइड टैपिड स्पंज बाथ, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि टैपिड स्पंज जो है वो क्लाइंट को जो है प्रोवाइड करनी है, जैसे हम बोलते हैं कि कॉमन लैंग्वेज में गीली पट्टियां जो है वो लगानी है, ठीक है।
इससे क्या होगा, टेम्परेचर बॉडी का जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फर्दर हम क्या करेंगे उस पेशेंट के लिए कि हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको हम कम कर देंगे जितना मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से हम जानते हैं कि एक्सरसाइज जब पेशेंट करेगा या कोई एक्टिविटी करेगा तो उससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होगी। तो जब हीट प्रोडक्शन, क्योंकि पहले से फीवर है तो और हीट प्रोडक्शन होगी तो फीवर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमने क्या करना है कि हमने उसकी फिजिकल एक्टिविटी को कम करना है ताकि हीट प्रोडक्शन जो है वो लिमिट में आ सके। फिर हमने एंटी पायरेटिक्स दे देनी है। एंटी पायरेटिक्स सर्टन मेडिकेशन होती है जो कि हम फीवर वाले पेशेंट को देते हैं, ठीक है। उसमें कौन सी आ जाती है हमारे पास, टाइलिनोल जिसे हम पैनाडोल या पैरासीटामोल कह देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ब्रूफेन आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट को फ्लूइड की जरूरत है जैसे कि नॉर्मल सेलाइन हो गई या उसको डेक्सट्रोज चाहिए, डेक्सट्रोज वाटर चाहिए, डेक्सट्रोज सेलाइन चाहिए, तो हम पेशेंट को वो जो है इन्फ्यूजन कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि ओरल हाइजीन देंगे, ठीक है। ओरल हाइजीन कब क्यों हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो मॉइस्ट रहें, ठीक है, और जो है वो हेल्दी रहे, उसको सर्टन कोई माउथ का भी इन्फेक्शन जो है वो ना हो जाए। क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन सारी की सारी ड्राई हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। तो वहां पर क्या हो सकता है, लियंस वगैरह जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। हमने पढ़ा था कि हर्पेटिक लियंस बन जाती हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ओरल ही जो है पेशेंट को वो ओरल हाइजीन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। प्रोवाइड ड्राई क्लोथिंग, हमने पेशेंट को ड्राई क्लोथिंग देनी है, और बेड लिनन जो है वो उसकी क्लीन होनी चाहिए, वहां पर कोई जो है वो रफ बेड लिनन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो है वो स्मूथ बेड लिनन होनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है उसको रैशेज ना हो जाए स्किन पे, क्योंकि मुसलसल जो है उसने बेड रेस्ट करना है, तो उसकी वजह से मुसलसल लेटे रहने की वजह से उसको कोई रैशेज वगैरह या कोई बेड सोर वगैरह या कोई इस तरह का अल्सर वगैरह डेवलप ना कर जाए और स्किन ब्रेक डाउन ना हो उस पेशेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना टेम्परेचर वाला टॉपिक जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो पल्स पे, रेस्पिरेशन पे मिल जाएं, तो आप क्या करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इस लेक्चर को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ताकि प्रोफेशनल लाइफ में ये आपके काम आए और आपके इस स्किल से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। हमेशा हर काम को ये समझ कर करें कि आपसे दूसरे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, लोग आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, आप एक चेंज लेकर आ सकते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। तो इस चेंज में हमारा साथ दीजिए, हमेशा पढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।